लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। एडीएम आनंदी लाल वैष्णव ने सभी को संबोधित कर बताया, इस बार लोकसभा चुनाव में 18,62,158 मतदाता है जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिसके लिए 200 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। इस बार फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र भी अनिवार्य होगा। 301 मतदान केंद्र इस फॉर की सूची में है जो संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं और 58 मतदान केंद्र अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं जहां अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। जैसा कि आपने सबको पता है कि कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश भर में चुनावों की जो व्यवस्थाएं हैं, चुनावों की जो तारीखें हैं, विभिन्न 7 चरणों में होने वाली, उसकी जानकारी दे दी है और इसी के साथ देश भर में आचार संहिता लागू हुई है। जैसा कि चुनाव आयोग का मत है कि पारदर्शी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसी के क्रम में आचार संहिता को लागू किया गया है। इसकी जिला स्तर पर भी पूर्ण पालना की जाएगी। चुनाव आयोग ने इस बार एक विशेष प्रावधान किया है कि वोटर स्लिप से ही काम नहीं चलेगा। वोटर स्लिप के साथ में इपिक कार्ड के अलावा 11 ऐसे दस्तावेज उन्होंने बताए हैं जो पहचान पत्र के रूप में काम आएंगे और उन पहचान पत्र को वोटर स्लिप के साथ ले जाने पर ही मतदान संभव है। तो इस प्रकार की जानकारी आमजन में भी आनी चाहिए क्योंकि ये नया बदलाव है और महिला मतदाता या दिव्यांग, इनको विशेष रूप से अधिक वोटर्स जो हैं मतदान केंद्र पर पहुँचे, इसके लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। स्वीप एक्टिविटीज़ के द्वारा लोगों को जन जागरण और मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा कि वो अधिकाधिक अपने मतदान का जो अधिकार है उसका प्रयोग करें। एक एक महिला मतदाता बूथ रहेगा। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।